Good morning dear students, most welcome to the online class of SVPS. In this video for 12th class in English, I will teach you article. आपको बोल रहा हूँ क्वेश्चन है द टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया, जो पर्यटन उद्योग है भारत में, हैज ग्रेट पोटेंशियल, उसके पास बहुत ज्यादा शक्ति है. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल कंसर्न, इंडिया विल बी वन ऑफ द हॉट स्पॉट फॉर टूरिज्म. इंडिया हो जाएगी एक हॉटस्पॉट टूरिज्म के लिए बाय द एंड ऑफ 2018. हाउएवर, परंतु द गवर्नमेंट हैज डन वेरी लिटिल, सरकार है बहुत ही कम कर चुकी है टू हेल्प दिस इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री की हेल्प करने के लिए. राइट एन आर्टिकल, आपको एक आर्टिकल लिखना है इन अबाउट 200 वर्ड्स अबाउट द प्रॉब्लम, समस्याओं के बारे में फेस बाय द इंडस्ट्री का सामना किया जाता है. यू आर विनीत विनीता. ठीक है, क्वेश्चन समझ गए. टूरिज्म इंडस्ट्री जो पोटेंशियल है अपने इंडिया में, एक ट्रेवल टूरिज्म के अनुसार ये मेजर हॉटस्पॉट बन सकता है टूरिज्म के लिए बाई 2018, लेकिन गवर्नमेंट है वो बहुत ही कम कर रही इस इंडस्ट्री के लिए. ठीक है, तो इसी के ऊपर आर्टिकल लिखना है. तो आर्टिकल के लिए एक हेडिंग जरूर पड़ती है, हेडिंग क्या होगी, इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री. ये हेडिंग डाल दो, इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री. ठीक है, बाय लाइन लिख दो, बाय विनीता. ठीक है, यहाँ बॉडी होगी वो मैं आपको बोलूंगा. क्या लिखना है आपको, देखिए, इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री विद ग्रेट टूरिज्म पोटेंशियल. देखिए, भारत एक सुंदर देश है, इसमें महान टूरिज्म पोटेंशियल है. फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम से कश्मीर लेकर कन्याकुमारी तक, एंड फ्रॉम आंध्र प्रदेश टू गुजरात. ईच स्टेट हैड इट्स ओन चार्म एंड अट्रैक्शन, प्रत्येक राज्य का अपना स्वयं का चार्म और अट्रैक्शन है. सेकंड लिखोगे, इन इंडिया, भारत में द टूरिज्म इंडस्ट्री इज द लार्जेस्ट सर्विस इंडस्ट्री. टूरिज्म इंडस्ट्री सबसे बड़ी सर्विस एजेंसी है एंड कंट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली और कंट्रीब्यूट करते कम 7% है टुवार्ड द इनकम ऑफ द कंट्री, 7% जो भी भारत की आय होती है देश की. इट आल्सो एम्प्लॉयड एक्सक्लूसिवली, ये भी एम्प्लॉय करती है सही से 10% ऑफ द वर्क फोर्स. रेवेन्यू जनरेटेड, जो रेवेन्यू जनरेट किया जाता है फ्रॉम दिस इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू रीच अबाउट $480 मिलियन बाई 2020 तक. बट इन स्पाइट ऑफ सच ट्रेमेंडियस पोटेंशियल, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद इस प्रकार के विशाल शक्ति के बाद द गवर्नमेंट हैज डन वेरी लिटिल, सरकार बहुत ही कम कर चुकी है टू हेल्प दिस इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री की हेल्प करने के लिए. दिस इंडस्ट्री सफर्स फ्रॉम ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम, यह इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से सफ़र करती है. द मोस्ट प्रोमिनेंट बींग लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सबसे प्रसिद्ध मतलब कि बींग लैक अभाव होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है. देयर इज पुअर कनेक्टिविटी, बहुत ही खराब कनेक्टिविटी है टू द टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए ड्यू टू लैक ऑफ रोड्स, रोड की कमी, कंफर्टेबल व्हीकल्स एंड एयर ट्रांसपोर्ट. ए हाई रेट ऑफ टैक्स एंड वेरियस स्टेटरी कॉम्प्लीमेंसेज आर अदर प्रॉब्लम्स फेस बाई दिस इंडस्ट्री, जो इस इंडस्ट्री द्वारा सामना किया जाता है. द गवर्नमेंट शुड प्रमोट द इनक्रेडिबल इंडिया, सरकार को अतुल्य इंडिया को प्रमोट करना चाहिए कैंपेन को ऑन अ लार्ज स्केल. इट शुड ऑपरेट मोर टायर टू एंड टायर थ्री स्पोर्ट्स एंड शुड ऑफर सिंगल विंडो क्लियरेंस को ऑफर करना चाहिए फॉर टूरिस्ट के लिए. ऑल दिस विल डेफिनेटली हेल्प, यह निश्चित रूप से सहायता करेंगे द इंडस्ट्री क्यू टू मेक ह्यूज इन रोड टू सक्सेस, बड़ा इन रोड बनाने की सफलता. क्या मिनट हो गए, चार. नाउ आई एम गोइंग टू अगेन द बॉडी ऑफ द लेटर. इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री विथ ग्रेट टूरिज्म पोटेंशियल, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड फ्रॉम आंध्र प्रदेश टू गुजरात. ईच स्टेट हैड इट्स ओन चार्म एंड अट्रैक्शन. सेकेंड लिखोगे, इन इंडिया द टूरिज्म इंडस्ट्री इज द लार्जेस्ट सर्विस इंडस्ट्री एंड कंट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 7% टुवार्ड द इनकम ऑफ द कंट्री. इट आल्सो एम्प्लॉयज अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ द वर्क फोर्स. रेवेन्यू जनरेटेड
from this industry is expected to reach around $480 million by 2020. But in spite of such tremendous potential, the government has done very little to help this industry. This industry suffers from a number of problems, the most prominent being lack of infrastructure. There is poor connectivity to tourist destinations due to lack of roads, comfortable vehicles and air transport. A high rate of taxes and various stationary complies are other problems faced by the industry. The government should promote the Incredible India campaign on a large scale. It should operationalize more Tier 2 and Tier 3 airports and should offer single window clearance for tourists. All this will definitely help the industry to make huge inroads to success. This is only one, but which you will write by listening my speech. That's all for the video. Thank you.